हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम का अचार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो तरीके के अचार, एक होगा तीखा वाला और दूसरा उसी को इस्तेमाल करके मीठा और तीखा अचार। तो ये अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेंगे 1 किलो कटे हुए कच्चे आम। अब इन कटे हुए आम में हम डालेंगे 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे ढककर रात भर एक साइड में रख देना है। ऐसा करने से जो आम में बचा हुआ पानी या मॉइस्चर है वो सब निकल जाएगा। अगले दिन इन आम को हमें छान कर निकाल लेना है एक बड़ी सी प्लेट में, ताकि इसमें से जो पानी छूट गया है वो सारा निकल जाए। इसे अच्छी तरह से फैला कर हमें 3 से 4 घंटे धूप में या फिर फैन के नीचे सुखा लेना है। आप देख सकते हो इसमें से कितना सारा पानी छूट गया है। आम सूख रहे हैं तब तक 1/2 कप पीली सरसों और 1 चम्मच मोटी सौंफ को पीस लेना है। इसे पीसने के बाद अब हमें एक बर्तन में 1 बड़ा चम्मच तेल लेना है और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग और पिसा हुआ पीला सरसों और उसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर इसे एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आम सूख चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच नमक। क्योंकि हम अचार काफी महीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें खूब सारा तेल और नमक डलता है। फिर इसमें डालेंगे 100 ग्राम बेड़े कर का तैयार अचार मसाला। मेरे घर पे जब भी अचार बनता है तब उसमें ये रेडीमेड अचार का मसाला इस्तेमाल करते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। मसाले को आम के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे पीली सरसों का मिश्रण, जिसे हमने पका कर ठंडा करने के लिए रख दिया था। मैंने 2 कप तेल को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया हुआ था और उसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था। आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम ठंडे किए हुए तेल को इसमें डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस 1/2 ही तेल डालेंगे, बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सारे आम पर मसाले अच्छी तरह से लग जाने के बाद अब हम इसे साफ और सूखे कांच की बोतल में भर देंगे। अगर इसमें थोड़ा भी पानी रहा तो अचार खराब हो सकता है। अब हम ऊपर से डालेंगे पकाया हुआ तेल, जिसे हमने साइड में बचा कर रखा था, और इसी के साथ आम का तीखा अचार तैयार है। आप इसको 2 से 3 दिन के बाद जब ये नरम हो जाए तब खा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मीठा और तीखा अचार भी बनाएंगे इसी अचार के साथ, तो अब हम बचे हुए अचार में 100 ग्राम गुड़ मिला के उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब तक सारा गुड़ पिघल ना जाए हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर इसे भी हम एक साफ और सूखे बोतल में भर देंगे और इसमें भी हमें ऊपर से तेल डालकर इसे 2 से 3 दिन के लिए बंद करके रख देना है। और इसी के साथ हमारा मीठा और तीखा अचार भी तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर यूजफुल लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम विद माई नेक्स्ट रेसिपी वीडियो। बाय गाइज़।